4 लाख बच्चों ने अपने नाम प्राइवेट स्कूल से कटवा के सरकारी स्कूल में भर्ती करवाई। इतने शानदार सरकारी स्कूल हो गए। क्या आप लोग चाहते हो हिमाचल प्रदेश के भी सरकारी स्कूल अच्छे होने चाहिए? होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? कौन सी पार्टी करेगी? आम आदमी पार्टी। केवल आम आदमी पार्टी को करना आता है। पहले दिल्ली में प्राइवेट स्कूल वाले वालों ने गुंडागर्दी मचा रखी थी। जब मर्जी फीस बढ़ा देते थे, जब मर्जी लाइब्रेरी फीस, डेवलपमेंट फीस, पिकनिक फीस, खदानी फीस, जिम की फीस सारी बंद कर दी। 7 साल से दिल्ली में प्राइवेट स्कूल वालों को फीस नहीं बढ़ाने दी हम लोगों ने। हिमाचल प्रदेश में होना चाहिए नहीं होना चाहिए? दिल्ली में हम लोगों ने सरकारी अस्पताल शानदार कर दिए। पहले सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल था, सरकारी अस्पताल शानदार कर दिए। जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। दिल्ली में 2 करोड़ लोग हैं, हर आदमी को पूरा इलाज फ्री दे रहे हैं। सरकारी दफ्तर में जाते हो कर दिया 1076, इस नंबर पे कॉल करो, कॉल करके बोलो मेरे को जाति प्रमाण पत्र बनाना है, मेरे को राशन कार्ड बनाना है, मेरे को बिजली का कनेक्शन चाहिए। भाई साहब, सरकारी दफ्तर से कोई अफसर आपके घर आता है और आपके साथ। और अब हमारी पंजाब में सरकार बनी, पंजाब में भ्रष्टाचार खत्म हो गया। भाई साहब, किसी से फोन करके पूछ लेना, भगवंत मान ने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया नहीं कर दिया? भ्रष्टाचार खत्म हो गया, बिजली 300 यूनिट मुफ्त कर दी, नौकरी 25,000 सरकारी नौकरियां निकाली है पंजाब के अंदर 25,000। दिल्ली में मैंने 5 साल में दिल्ली में 12 लाख। जयराम जी को पता चला मैं कांगड़ा आने वाला हूँ, मेरे आने के पहले उन्होंने ऐलान करा 125 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। बोले 125 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। मैंने कहा भाई, अगर 125 यूनिट बिजली फ्री करोगे हिमाचल में, तो मध्य प्रदेश में भी तुम्हारी सरकार है वहां भी करो, गुजरात में कर दूंगा, कोई बिजली फ्री नहीं करूंगा। एक एग्जाम हो रहा था, पेपर हो रहा था एक, उसमें बच्चे बैठ के पेपर दे रहे थे, हॉल में सारे बच्चे बैठे थे, वो भी बैठा था, वो भी पेपर दे रहा था। वहां जयराम ठाकुर बैठा था, वो भी पेपर दे रहा था। केजरीवाल आगे बैठा था, जयराम ठाकुर पीछे बैठा था। जयराम ठाकुर नकल मार रहा था केजरीवाल के पेपर में से। ये अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करते, आपको नकल कर आज हिमाचल प्रदेश में सारी जनता कह रही है, इन दोनों पार्टियों को देख लिया, दोनों ने हिमाचल को लूटा। अब एक मौका तो बनता है जी, तीसरी पार्टी को देने का बनता है कि नहीं? अब हिमाचल प्रदेश को नया हिमाचल प्रदेश बनाने का टाइम आ गया। बीजेपी कांग्रेस में जितने अच्छे लोग हैं, मैं उन सबको अपील करना चाहता हूं, अपने अपनी पार्टियां छोड़ दो, सारे जने आम आदमी पार्टी में आ जाओ, मिलकर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे को स्कूल बनाने आते हैं, मेरे को अस्पताल बनाने आते हैं, मेरे को सड़कें बनानी आती है, मेरे को बिजली देनी आती है, मेरे को नौकरी देनी आती है, रोजगार देने आते हैं, मेरे को पॉलिटिक्स करनी नहीं आती। पॉलिटिक्स चाहिए तो इनके पास चले जाना, और विकास चाहिए तो मेरे पास आ जाओ। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, ईमानदार आदमी, सत्ता पलट दी आम आदमी के हाथ में, सत्ता दे दी। इस बार हिमाचल प्रदेश के लोग भी एक मौका दे दो हमको। 30 साल आपने, 17 साल आपने बीजेपी को दिए, आपसे बस 5 साल मांग रहा हूँ, 5 साल दे दो मेरे को बस।
साथ देना, और अगली बार मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा, एक मौका दे दो अगली बार, मेरा कर दो 5 साल का, अगली बार आके आपको यही कहूंगा, अगर मैंने काम नहीं किया तो वोट मत देना, काम किया तो वोट। ये लोग चारों तरफ चर्चा है, मेरे को मेरे लोगों ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात दोनों में डरे हुए हैं पूरी तरह से आम आदमी पार्टी से। अरे आम